क्या खाऊं, मम्मी से मंगाती हूं। मम्मी कुछ खाने को दे दो। The next day. The next day. बस रुक जाइए, अब आपको हर रोज मैगी खा के गुजारा नहीं करना पड़ेगा। तो मैं आज आपके लेकर आई हूँ पूरे 5-5 मिडनाइट स्नैक्स, जो होंगे हेल्दी, लाइट एंड इजी टू डाइजेस्ट, जो आप भी मिनटों में बना सकते हैं। तो क्यों बैठे हो खाली, शुरू करो तैयारी। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले स्नैक के साथ, जो आपको लेने वाले हैं ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट। तो इसको बनाने के लिए हम ले लेंगे एक पैन और उसमें डालेंगे घी और पीनट्स डाल के उसे अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद उसे रख देंगे अलग। और अब बढ़ते हैं अलग ड्राई फ्रूट के साथ। यहाँ पे मैं फिर से पैन में डाल रही हूँ बादाम और काजू। आप अपने मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, जैसे कि मुरमुरा भी आप ले सकते हैं। तो चलिए इसको भी अच्छे से भूनने के बाद हम रख देते हैं साइड में और फिर से हम अपने पैन में थोड़ा सा घी डालकर इसमें डाल देंगे मखाने और इसको भी अच्छे से भून लेंगे। हमारे जैसे सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से भून चुके हैं, तो हम ले लेंगे एक बोल जिसमें हम अपने सारे ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। उसमें चाट मसाला डालकर और थोड़ा सा नमक डाल के उसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो चाट मसाला स्किप भी कर सकते हैं। तो बस अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारा वन स्नैक हो चुका है रेडी। रात को मूवी देखते हुए भूख लगती है तो सिर्फ एक ही स्नैक याद आता है, पॉपकॉर्न। राइट, तो चलिए हम बनाते हैं अगला स्नैक, पॉपकॉर्न। पहले ले लीजिए कोई भी बर्तन, उसमें डाल दीजिए बटर और कुकिंग ऑयल। मेल्ट होने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ सॉल्ट और थोड़ी हल्दी। अगर आप सॉल्टेड बटर ले रहे हैं तो आप सॉल्ट को स्किप कर दीजिए। और बस इसमें हम डाल देंगे पॉपकॉर्न वाले मक्के के दाने और इसे हम अच्छे से ढक देंगे। तो 2-3 मिनट बाद ही हमारे पॉपकॉर्न जो है रेडी हो जाएंगे। अगर आपको बीच में लग रहा हो कि इसमें थोड़े से पकने रह रहे हैं, तो इसे फिर से बंद करके अच्छे से पका लीजिए। तो यहाँ भी हमारे हो चुके हैं पॉपकॉर्न रेडी। अब मैं अपने स्टाइल में इसमें डाल रही हूँ चीनी, पेरी पेरी पाउडर और इसे भी कर लूंगी अच्छे से मिक्स। अगर आपके पास पेरी पेरी पाउडर नहीं है तो आप सिंपल मिर्च भी यूज कर सकते हैं। तो ये तो बन गए खट्टे मीठे पॉपकॉर्न। आप चाहे तो इन सबको स्किप कर सकते हैं और अपने नॉर्मल पॉपकॉर्न का मजा ले सकते हैं। जितना मुश्किल दिखता है बनाना, उससे भी कई ज्यादा आसान है। तो यहाँ पर हम लेंगे छिले हुए लहसुन और इसे अच्छे से पीस लेंगे। आप चाहे तो ग्राइंडर का भी यूज कर सकते हैं। अब हम ले लेंगे बटर। मैं यहाँ पे ले रही हूँ सॉल्टेड बटर। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, चिली फ्लेक्स, पार्सले और ऑरिगैनो। आप चाहे तो पार्सले स्किप भी कर सकते हैं। तो इसमें डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा सॉल्ट और काली मिर्च पाउडर और इसमें हमने जो अपने लहसुन को पीसा था उससे अच्छे से डाल के हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ अब ब्रेड और उसे अपने मुताबिक आप कोई सी भी शेप में कट कर सकते हैं। अब कट करने के बाद जो हमने पेस्ट बनाया था उसे अच्छे से पूरे ब्रेड पे स्प्रेड कर दीजिए ताकि आपको हर एक कोने में से गार्लिक का टेस्ट आए। तो अब हमारे ब्रेड हो चुके हैं रेडी टू बेक फॉर अबाउट 5-7 मिनट्स एट 180 डिग्री सेल्सियस।
और बेक होने के बाद इनका आगे बहुत अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर। और इसे और भी ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए मैं इस पे लगा रही हूँ चीज ब्रेड, आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। अब हमारे गार्लिक ब्रेड चंक्स हो चुके हैं रेडी। नेक्स्ट स्नैक होने वाला है काफी इंटरेस्टिंग। इसको बनाने के लिए हम ले लेंगे एक बोल जिसमें हम डालेंगे पानी, सिट्रिक एसिड, हल्दी, चीनी और नमक, और इसे हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। मिक्स तब तक करते रहिए जब तक आपको कुछ सॉलिड फील ना हो। अब हम उसमें डालने वाले हैं बेसन जिसे हम अच्छे से छान के उसमें डाल देंगे और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब कुछ मिक्स होने के बाद इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। मिक्स करते करते साथ ही साथ हम इसमें डालते रहेंगे थोड़ा थोड़ा पानी जब तक हमारे बैटर की कोई अच्छी कंसिस्टेंसी नहीं आ जाती। तो बैटर के होने के बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा। तो इसे हम बनाने वाले हैं गैस पर, तो इसके लिए मैं ले रही हूँ कोई भी बर्तन, उसके ऊपर डाल रही हूँ गरम पतीले रखने वाला एक स्टैंड और उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ दूध को ढकने वाली एक छन्नी और उसमें पानी डाल के उसे बॉयल होने देंगे। आप चाहे तो ढोकला कोई से भी स्टीमर में डाल सकते हैं, पर याद रखिएगा कि आपका पानी बर्तन पे टच ना हो, वो सिर्फ भाप से ही पके। और याद रखिएगा कि आप ये सब तैयारी बेकिंग सोडा डालने से पहले ही कर दीजिए। अब मैं अपने बैटर को डाल रही हूँ अपने छोटे छोटे कप्स में और पानी बॉयल होने के बाद मैं इसे डाल रही हूँ अपने स्टीमर में। अब इसे ढककर हम पकाएंगे और बीच बीच में चाकू डाल के देखते रहिएगा कि आपका ढोकला तैयार हो गया है या नहीं। तो यहाँ पे मेरा ढोकला हो चुका है तैयार। अब हम करते हैं तड़के की तैयारी। तो यहाँ पे मैं फिर से ले रही हूँ एक पैन, उसमें डालूंगी कुकिंग ऑयल, राई, कटी हुई मिर्च, कड़ी पत्ता और इन सबको अच्छे से भून लूंगी। भूनने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ पानी और पानी के उबाल आने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ सिट्रिक एसिड, चीनी। और तड़के के तैयार होने के बाद मैं इसे डाल रही हूँ अपने बने हुए ढोकले के ऊपर। तो अब हमारा फोर्थ स्नैक भी हो चुका है रेडी टू ईट। होने वाला है ओट्स, उसको भी हम बनाएंगे ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ। तो ओट्स बनाने के लिए हम ले लेंगे एक पैन, उसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल, बारीक कटा हुआ लहसुन और बारीक कटा हुआ प्याज डाल के उसे अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद इसमें हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ टमाटर, मटर और उसे भी अच्छे से हम भून लेंगे। भूनने के बाद ही हम इसमें डाल देंगे नमक, हल्दी और थोड़ा सा मैगी मसाला और इन सबको अच्छे से भूनने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी और इसे उबाल आने देंगे। उबाल आने के ही बाद मैं इसमें डालने वाली हूँ ओट्स और इन सबको अच्छे से कर देंगे हम मिक्स। मिक्स होने के बाद मैं इसमें डालने वाली हूँ थोड़ा सा पानी अब ढक्कन लगा के इसे हम अच्छे से पकने देंगे। अब चलते हैं हम अपने तड़के की ओर। तड़के के लिए मैं फिर से ले रही हूँ एक पैन, इसमें मैं डालने हूँ थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, ऑरिगैनो, चिली फ्लेक्स और पेरी पेरी डाल के इसे अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ बेसिल
और यहाँ पे हमारा तड़का हो चुका है रेडी। तो अपने मसाला ओट्स को और भी टेस्टी बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ एक चीज स्लाइस, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, और उसके ऊपर थोड़े से ओट्स डालकर और तड़का डालकर हमारा ओट्स हो चुका है रेडी। आपको पता चल जाए।